हाय दोस्तों, साई इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम ये सीलिंग फ़ैन की वायरिंग कैसे चेक करते हैं ये सीखेंगे दोस्तों। जो दोस्तों नए मैकेनिक जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि किस तार पर मल्टीमीटर से चेक करना होता है कि हमारा सीलिंग फ़ैन ठीक है या नहीं। तो चलिए आज हम इस पर ही वीडियो बनाएंगे दोस्तों, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वायरिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक मीटर चाहिए, और हम मीटर की रेंज ये देखिए कंटिन्यूटी पर लगाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। और कंटिन्यूटी पर लगाने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये जो दो कलर की दो वायर है रेड कलर की, तो ये काला प्रोब हम इस पर लगाएंगे और ये लाल प्रोब इस पर लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इन दोनों प्रोब पर हमें कंटिन्यूटी मिल रही है दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों, ये हमारी स्टार्टिंग या रनिंग की वायर हो सकती है। और ये देखिए दोस्तों, अगर ये इन दोनों पर कंटिन्यूटी मिल रही है तो इन दोनों पर हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। इसका मतलब हमारे जो ये कॉइल है वो इस पर शॉर्ट नहीं है। तो अब हम ये दो काली वायर पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रही है। तो हम अभी इस बॉडी टच, ये सीलिंग फैन की बॉडी टच पर, ये देखिए बॉडी पर भी शॉर्ट नहीं है दोस्तों, ये देखिए। तो इसका मतलब दोस्तों, हमारी इसमें एक स्टार्टिंग और एक रनिंग हो सकती है दोस्तों। और हमें अगर इसकी वायरिंग करनी है और इसके चार वायर को हमें तीन वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो हमें एक कौन सा भी दो कलर की वायर, एक काला और एक लाल लेनी है। और ये देखिए कुछ इस तरह से इसे कनेक्शन एक करना है दोस्तों, ये देखिए। और बाद में ये जो दो बची वायर है, ये देखिए, इस पर हम एक कैपेसिटर लगाइए दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से लगाने के बाद हमें जो मेन लाइन आती है दोस्तों, हम उस पर ये न्यूट्रल के लिए ये लगाएंगे और फेज के लिए ये लगाएंगे दोस्तों। अगर फेज के लिए इसे लगाने पर फैन उल्टा घूमता है तो आप इसको फेज पर लगा कर देखिए दोस्तों, फैन सीधा घूम घूम जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो छोटी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।